होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। नागौर कोर्ट के बाहर शरेआम फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। ताबड़तोड़ कई गोलियां बदमाशों ने चलाई और एक गैंगस्टर संदीप शेट्टी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। फायरिंग की सनसनीखेज घटना नागौर कोर्ट के बाहर हुई है। पुलिस ने मौके से कारतूस के करीब 10 खोल बरामद किए हैं। दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर हुई इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कोर्ट के बाहर हुई इस घटना के चंद ही मिनटों में बदमाश मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस ने भी पूरे इलाके में स्थगन नाकाबंदी कर दी है। साथ ही घटना के तुरंत बाद एसपी राममूर्ति जोशी, एडिशनल एसपी राजेश मीणा सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले में गैंगस्टर संदीप शेट्टी को कई गोलियां लगी, वहीं शेट्टी के एक साथी को भी गोली लगी है। साथ ही एक गोली कोर्ट के बाहर खड़े एक वकील को भी गोली छू कर निकल गई। यह पूरी घटना इतनी तेज गति से हुई थी, कोर्ट के भीतर खड़े वकीलों वहां मौजूद भीड़ को भी पता नहीं चला। पटाखे जैसी आवाज़ एक के बाद एक करके कई बार आई और इसके तुरंत बाद गैंगस्टर संदीप शेट्टी को खून से लथ पथ जमीन पर गिरा हुआ पाया। इसके बाद गैंगस्टर संदीप शेट्टी के साथी उसे नागौर के जेएलएन अस्पताल ले गए, जहां संदीप शेट्टी की मौत हो गई। संदीप शेट्टी के साथी जो स्कॉर्पियो में सवार था, उनमें से एक साथी को गोली लगी, जिसे पुलिस डिटेन करने के बाद अस्पताल ले गई। इस पूरे मामले को एक बड़े गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। संदीप शेट्टी हरियाणा का नामी गैंगस्टर था और नागौर के एक हत्याकांड के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ समय पहले ही उसकी जमानत हुई और वह आजपेशी पर आज नागौर कोर्ट आया था। यहाँ गैंगवार में उसे कई गोलियां लगी। नागौर शहर में कोर्ट परिसर में सरेआम फायरिंग कर गैंगस्टर की हत्या पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, नागौर शहर में न्यायालय परिसर में सरेआम फायरिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कर देने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक का आवास इस न्यायालय परिसर से महज 50 मीटर और कलेक्टर एसपी का कार्यालय महज वहां से 100 मीटर दूर है। ऐसे इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए। वही कहा, नागौर शहर प्रदेश में बढ़ते अपराध चिंता का विषय है और प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में जंगल राज होने का प्रमाण है। वहीं जिस वकील भंवरलाल को गोली छू कर गई, उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी बात कही। अभी आधा घंटा पहले नागौर के न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह की गोलीबारी की घटना हुई, एक व्यक्ति की सरेआम गोली मार दी जाती है और वहाँ ऐसा हड़कंप मचाया जाता है अपराधियों द्वारा, या जो शायद एक दहशत का माहौल पैदा हुआ पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर, और वहां से मैं 50 मीटर 60 मीटर एसपी का घर है और 50 मीटर सामने कलेक्टर का घर है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अपराधी कोर्ट परिसर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इस घटना के अंदर जब बताते को मरने वाला भी गैंगस्टर था और मारने वाले भी उसके साथ ही गैंगस्टर जो भी होंगे, लेकिन जब किसी गैंगस्टर को पेशे पर लाया जाता है या वो अपने को एविडेंस लाता है तो गैंगस्टर के ये इनपुट सारा पुलिस के लोकल पुलिस के पास रहता है। संबंधित जो थाना क्षेत्र है कोतवाली नागौर लगता है, इसके अंदर इनके पास सारी सूचना रहती है। उसके बावजूद इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये हुआ कि नागौर जैसे शांत इलाके के अंदर ये हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। ये वाक्य याद आता जब एक बार रंधपाल ने किस तरह यहाँ बूढ़ा भगवान दास के पास पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में ताबड़तोड़ गोलियां चला के हमारे पुलिस के कर्मी भी शहीद हो गए थे। और आपका नाम? भंवरलाल कुकुड़िया एडवोकेट। मैं लंच के समय मेरी कार वहाँ बाहर रोज पार्किंग बाहर ही करते हैं, तो कार पड़ी थी, कार के पास में जाने लगा। मैंने कहा लंच में एक फाइल है घर पे, फाइल लिया था, लंच के बाद में बहस है। तो मैं 5-10 लड़के मेरे पीछे चल रहे थे, तो मैं जो मेरी कार के पास पहुँचने में 2-3 फुट दूर था, तो पीछे जोरदार 3-4 फुट के पीछे जोरदार बची गोलियों की आवाज़ आई, फटाकों की आवाज़। मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए, पीछे मुड़ा तो एक आदमी जो पड़ा था उसके जगह जगह खून आया था, सर पे जगह जगह लगी हुई थी। वहाँ से कोई फिसल के एक मेरे यहाँ बाजू के लेफ्ट बाजू पे लगे,
जो अभी निकला है डॉक्टर साहब ने, लेफ्ट बाजू ज़्यादा नहीं है मेरे को, हालांकि उनके काफ़ी लोगों को तो, और अब एडमिट किया निकाल तो दिया वो, और ज़्यादा दर्द भी अब तो मेरे से मतलब कम लगे। मैं लंच के हिसाब से बाहर निकला था कार के पास जाने के लिए, और उस दरमियान वो घटना हो गई, वो तो लड़के तो भागे ही नहीं, तो मैं तो ये लगते ही मैं तो मैंने कहा हो क्या गया, कब करा गोलियाँ गोलियाँ खून निकलवा पड़ा था, जब तक भीड़ हो गई ठीक है। रोड पे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है संदीप सेठी, जो कोतवाली थाने के मुकदमे में बंद था, दो दिन पहले उसकी जमानत हो गई, आज वो किसी मुकदमे में एविडेंस पर आया हुआ था, उसी दरमियान कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसके ऊपर फायरिंग हुई, कुछ लोगों को हमने अभी तस्दीक कर रहे हैं, हो सकता है ये हरियाणा के ही लोग हों, और आगे खोजबीन जारी है। उसके साथ दो उसके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनके भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए हैं, बाकी अभी जांच कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर इस प्रकार की फायरिंग होना एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं, कोर्ट के बाहर था एविडेंस पे था, ये संदीप सेठी जब एविडेंस पे आता था उस टाइम तो पुलिस प्रोटेक्शन पूरा ध्यान रखता था, आज ये दो दिन पहले इसकी जमानत हो चुकी है, आज ये एविडेंस देने आया था किसी मुकदमे में, और हो सकता है ये किसी मुकदमे में गवाह उस पर प्रेशर डालने के साथ ही किया गया हो, और बाकी की चीज़ें अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएगी। एक की संदीप सेठी की डेथ होने की पुष्टि हुई है, दो लोग जो इसके साथी थे उनके थोड़ी बहुत इंजर्ड है। हमला करने वाले कौन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी अनुसंधान संदीप की बॉडी या जेल एंड मॉर्चरी सर कितने हमलावर हैं अंदाजन कुछ इस मामले में कह नहीं सकते।